धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1934 का जो एक्ट था, ये एयरक्राफ्ट एक्ट, इसका एक बहुत ही जरूरी संशोधन करना था, अमेंडमेंट करना था, और वो इस अमेंडमेंट को आज यहां सदन में लाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है सभापति जी कि आज हम लोग इसे पारित कर देंगे। और इसमें एक बहुत पुरानी और एक जटिल जो बात लगी हुई थी हमारे विमानन क्षेत्र को, उसका हम लोग इसके द्वारा समाधान करेंगे। और मैं सभापति महोदय इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अगर इस सरकार की कोई भी खूबी रही है, कोई भी हमारा गुण रहा है जो विश्व भर में इसकी बात की जा रही है, वो यह है कि इस देश की जो कई सारी जटिल समस्याएं थी, जो लंबित समस्याएं थी, उन्हें हम लोगों ने, चाहे वो सदन के द्वारा, चाहे वो प्रशासनिक कुशलता के द्वारा, हम लोगों ने उनका समाधान किया है। मान्यवर, आपको मालूम है और अभी सुबह भी इसकी चर्चा हुई कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो 70 सालों से किसी सरकार ने उसका समाधान नहीं किया था, हमारी सरकार ने उसका समाधान किया। तीन तलाक का जो मामला था, जिसके द्वारा हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को शोषित किया जा रहा था, उसका भी हम लोगों ने समाधान किया। और सभापति जी, मैं हजारीबाग से आता हूं और हजारीबाग विश्व भर में जाना जाता है कि राम नामी का जो जुलूस है, वो 100 साल पहले हजारीबाग में ही इसको आरंभ किया गया। और विश्व भर में जिस प्रकार से राम नामी का यहां हम लोग मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगर भगवान राम की आस्था कहीं भी उसका एक केंद्र बिंदु है, तो सभापति महोदय जी, वो हजारीबाग में है। और क्योंकि हम लोग भगवान राम के भक्त हैं, तो जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, इस सरकार ने इस मामले को भी, इसका समाधान किया है, मैं उसके बारे में भी धन्यवाद करता हूं। हजारीबाग में भी राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर हम लोग बनाने वाले, वो भी एक भव्य एक राम मंदिर होगा। और उसी प्रकार से ये सब जो जटिल समस्याएं थी, ये जो फंसी हुई ये जो बातें थी, इनका समाधान एक का एक हम लोग करते चले जा रहे हैं। और विमानन क्षेत्र में भी जो मामला बहुत दिनों से लंबित था, उसको भी हम लोग इस संशोधन के द्वारा, इस विधेयक के द्वारा हम लोग करते चले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोग हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे बैठाएंगे, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे बिठाएंगे, यानी फ्लाइंग फॉर ऑल। और 2014 से लेकर, जब हमारी सरकार मरी 2014 से लेकर आज तक 2020 में, जो हम लोगों ने विमानन क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है, जो हमें सफलता प्राप्त हुई है, सभापति महोदय जी, और मैं आपके द्वारा पूरे सदन को, पूरे देश को इसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वो अद्भुत है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आई विल प्रेजेंट सम हार्ड फैक्ट्स, एंड यू नो श्री प्रेमचंद्रन जी वाज सेइंग वी हैव टू बी रेलेवेंट इन आवर डिस्कशंस, एंड आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाई दीज हार्ड फैक्ट्स आर रेलेवेंट टू द डिस्कशन एंड द अमेंडमेंट दैट वी आर प्रेजेंटिंग टुडे। इन फिस्कल 2014 द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन दिस कंट्री वाज 70। टुडे वी हैव 105 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, एंड विद द बजट दैट हैज जस्ट बीन प्रेजेंटेड, दैट वी जस्ट पास्ड यस्टरडे द अप्रोप्रिएशन बिल, with that budget and the plans that the Ministry of Civil Aviation has undertaken, we are going to go from 105 operational airports to more than 200 airports. The number of planes in fiscal 2014 was only 400. We are close to 700 now, and the plans are to go to 1200 planes as well. The number of trips in fiscal 2014 were 10 crore. Now they are close to 20 crore, and the plan over the next few years is to get to 100 crore passenger trips. This is the kind of expansion that the Honorable Minister Shri Hardeep Puri ji was referring to. This is the kind of growth that we have seen in the aviation sector. And this has come about as we have achieved this unprecedented status so very quickly, to become the third largest aviation market domestically in the world, and very soon domestic plus international. We have achieved this through a series of important initiatives. And then 5 trillion economy. The 5 trillion economy, of course, is also happening. The very important initiatives, that I have undertaken, I just want to, in a very short sense, bring them to the attention of the House, because you have to understand the work, the policy making, the executive focus that enables us to achieve these very, very remarkable results. It's because of the kind of work that's put into this. Now,
One of the most important programs that we've undertaken in the aviation sector in the last few years is Udaan. उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। अगर आज के समय हम लोगों ने 35 और एयरपोर्ट अपने एविएशन सिस्टम में हम लोगों ने जोड़ा है, अगर हम लोग 50 और हेलीपैड के लिए और हेलीपोर्ट के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो उड़े देश के आम नागरिक के द्वारा ही, इस योजना के द्वारा ही हम लोग कर रहे हैं। एंड द वे वी हैव अचीव दैट डेमोन्स्ट्रेट्स आवर स्किल इन बीइंग एबल टू अनलीश मार्केट फोर्सेज so that they can serve the people of this country and truly bring aviation to all. As the honorable member from the Congress said, this is no more something that is a luxury good, it is essential for everybody in this country to travel. Flying for all, that has been achieved through Udaan. And even as our passengers are utilizing the benefits of Udaan, Mr. Chairman, sir, we have provided them excellent customer service through a whole series of improvements that we made in our airports and through the Air Seva program, through which any grievance can be logged through a mobile app, through a website, and through various forms of social media as well. This is the only such consumer grievance addressal mechanism around the world, and this is a notable innovation that we brought into air travel to make air travel even better, which is exactly what the honorable member from the Congress was referring to. In the same way, in a one of a kind, first in the world program, we have implemented a biometric based digital traveler program across our airports that's being rolled out right now called Digi Yatra, that will make traveling even better. Your face will become your boarding pass. You will be able to go through without any paper, through the airport entry, through the check-in process, and onto the airplane itself, making it really convenient and easy to get through our airports. And as this growth continues, it's very important for us to be able to find these efficiency enhancing measures so that air travel becomes even more convenient. Another very important program that we've undertaken is Nabh Nirman. Nabh yane Akash yane Asma, or Next Generation Airports for Bharat. Next Generation Airports for Bharat, Nabh Nirman ke tahat, hum logon ne kai sare naye airport, jaise Jewar Airport jo hai, usko bana rahe hain. जेवर एयरपोर्ट हम लोग बनवा रहे हैं, मोपा गोवा में हम लोग एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, अभी यहाँ संजय जायसवाल जी, हम लोग कोशिश होगी कि रक्सौल में भी जो है उनके क्षेत्र में वहां हम लोग एयरपोर्ट बनाए। बड़े सारे एयरपोर्ट्स नव निर्माण के द्वारा बनाए, जिसमें कि जो 100 करोड़ देवघर का तो एयरपोर्ट बन ही रहा है जैसे अभी बताया गया है, और बहुत सारे जमशेदपुर में है, बहुत सारे जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिसके द्वारा जो 100 करोड़ का हमारा लक्ष्य है, जिसमें कि सब लोग हवाई जहाज पे बैठ सकें, वो हम लोग नर्म निर्माण के तहत हम लोग कर रहे हैं। और 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 जो अभी माननीय सदस्य जो है कांग्रेस वाले, उन्होंने कहा नो फ्लाई लिस्ट पे, जो नो फ्लाई लिस्ट जो हम लोगों ने कुछ साल पहले हम लोगों ने लागू की है, उसके पहले माननीय सदस्यों को याद होगा कि कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जहां लोगों को तंग किया जा रहा था, लोगों को तकलीफ हो रही थी एयरपोर्ट्स में, क्योंकि बड़ा अनरूली बिहेवियर हो रहा था। अब नो फ्लाई लिस्ट के बाद अनरूली बिहेवियर वाला जो मामला था, जिसपे कई सारी घटनाएं हुई थी और माननीय सभापति जी को याद होगा, वो सब आज के समय लगभग खत्म हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन था जो हम लोगों ने एविएशन सेक्टर में जो हम लोग लाए। और अभी माननीय मंत्री जी ने कोरोना वायरस की जिक्र की, मैं उनको और उनके जो सब जो सहयोगी हैं और पूरे मंत्रालय को और एयरपोर्ट में हर जो कर्मचारी है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन हम लोग करना चाहते हैं, और सब सदस्यों को मुझे लगता है कि इसमें जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना वायरस की ट्रैकिंग की है, स्क्रीनिंग की है, दिन रात मेहनत की है, उसके द्वारा आज हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, ये भी एविएशन सेक्टर ने करके दिखाया है। ये हम लोगों को स्वागत करना चाहिए, इसका हम लोगों को बहुत उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। तो हर क्षेत्र में अगर हम देखें, तो जो हमारा विमानन क्षेत्र है वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, बहुत ही उमदे प्रकार से इसका काम चल रहा है। और अब बहुत जरूरी है, अगर हम लोगों को अपना विमानन क्षेत्र को और सुरक्षित और दुरुस्त बनाना है, तो जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देना है इनके तीन जो बड़े महत्वपूर्ण रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। ये तीन जो एजेंसीज हैं उनमें से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो सब नियम कानून बनाता है हवाई जहाज के लिए, पायलट्स के लिए, फ्लाइट क्रूज के लिए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अगर खुदा ना खास्ते कहीं कोई घटना हो गई,
कुछ दुर्घटना हुई तो उसका जांच किस प्रकार से किया जाए, वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को किया जाए, को कहा जाता है उनको करने के लिए, और विशेष रूप से जो अभी माननीय सदस्य जी ने भी कहा है कि सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है, जो पूरा CISF जो हम लोगों के जो लोग काम कर रहे हैं एयरपोर्ट्स में, उनके प्रोटोकॉल्स, उनकी स्टाफिंग, उनके सब जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं उन पे निगरानी रखता है, वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन को हम लोग अब स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दे रहे हैं, जो बहुत बहुत जरूरी है। अब इस स्टैट्यूटरी रिकग्निशन का प्रभाव क्या होगा, ये इतना लंबित क्यों था, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कई बार जब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं और वो हमारे विमानन क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं तो वो हरदम एक कमी को वो लोग उजागर करते हैं और उसके कारण हम लोगों की रेटिंग कई बार कम हुई है, और वो है कि हमारे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जिन तीनों की मैंने जिक्र की, उनका अभी स्टैट्यूटरी रिकग्निशन नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वो चल रहे हैं, और इसलिए हम लोगों की रेटिंग आईकाओ और FAA, दोनों FAA जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है US का और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो मॉन्ट्रियल में है, ये दोनों इंडिया को डाउनग्रेड कर देते हैं, क्योंकि हमारी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है। अब इस विधेयक के द्वारा इन्हें स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाया जाएगा, जो शिकागो कन्वेंशन में एक बहुत अनिवार्य एक हम लोगों को चीज करनी चाहिए, वो आज हम लोग इस विधेयक के द्वारा हम लोग कर लेंगे, और इसके द्वारा हम लोगों की सेफ्टी की जो रैंकिंग्स हैं वो और भी बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ क्योंकि BCAS को भी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को भी हम लोग स्टैट्यूटरी रिकग्निशन देंगे, तो BCAS में भी हम लोगों को रेटिंग जो है हम लोगों की इंप्रूव होगी, और वो FAA और कई सारे IASA जो यूरोपियन जो रेगुलेशन एजेंसी है उन लोगों को भी इसके द्वारा बहुत संतोष होगा, उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग इनको इस प्रकार से कानूनी एक दर्जा दे रहे हैं, जिसमें वे और भी बेहतर काम कर सकें और भी बेहतर जो उनके नियम हैं उनका पालन करवा सकें। और इसके साथ साथ इस विधेयक में स्टैट्यूटरी रिकग्निशन तो दिया ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो फाइन्स हैं, जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जिसको किया जा सकता है, उसको भी इसके द्वारा, इस विधेयक के द्वारा हम लोग लागू कर रहे हैं, और इसलिए जो छोटी जो ऑफेंसेस हैं उनको फाइन्स के द्वारा हम लोग हैंडल कर सकते हैं, अगर बड़ी ऑफेंसेस हैं तो और भी बड़े फाइन्स हो सकते हैं, और अगर हम लोगों को उनके ऑपरेशंस रोकने पड़े वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो पूरा रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स जो अब हम लोग इस विधेयक के द्वारा, इस कानून के द्वारा हम लोग लागू कर सकते हैं वो अब हम लोग कर पाएंगे, और इसके द्वारा हम लोगों का जो काम है वो और भी बेहतर और भी सुरक्षित होता जाएगा। तो जो हमारा विमानन क्षेत्र इस समय इस तेजी से बढ़ रहा है और हर लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा हम लोग इसके द्वारा दे रहे हैं, इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए ये जो बहुत ही अनिवार्य जो संशोधन थे ये माननीय मंत्री जी ने लाया है। मैं सब माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इसका जरूर सहयोग करें, जिसमें कि आपका सफर आपका देश भर में जो दौरा चलता है वो और भी सुरक्षित और भी बेहतर और भी सुविधाजनक इस प्रकार से हो सके, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठे, वो इसके द्वारा ना सिर्फ वो हवाई जहाज पे बैठेंगे, वो हवाई जहाज पे सुरक्षित भी बैठेंगे, ये इस हम लोग इस विधेयक के द्वारा कर रहे हैं। आप सब लोग इसका जरूर सहयोग समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड।